संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना भारत। भारत की अध्यक्षता से क्यों बढ़ी पाकिस्तान की टेंशन। चीन की भी उड़ी रातों की नींद। नमस्कार, मैं रुचि पांडे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ दुनिया दरबार के खास कार्यक्रम में। दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था मानी जाने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है और इसके साथ ही पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ गई है। भारत का अध्यक्ष बनना पाकिस्तान और चीन के लिए क्यों बना चिंता का विषय, ये बताएंगे हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में। भारत के अध्यक्ष बनते ही पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि हमें उम्मीद है भारत अपने कार्यकाल के दौरान प्रासंगिक नियमों और मानकों का पालन करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और 2 साल का कार्यकाल है, जिसके बाद अब भारत ने 16 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर अपना पद संभाल लिया है। भारत का अध्यक्ष के रूप में ये कार्यकाल कुल 1 महीने तक चलेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता की पारी हर महीने अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर बदल दी जाती है। भारत 1 जनवरी को ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना था, जिसके बाद भारत को 2 बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। भारत के अध्यक्ष बनने से पाकिस्तान को किस बात की दिक्कत हो रही है और क्यों, पाकिस्तान और चीन में इस खबर के बाद से ही हलचल तेज हो गई है। दरअसल अब 1 महीने तक पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर कोई भी चर्चा नहीं कर पाएगा। साथ ही भारत ऐसे समय पर अध्यक्ष बना है जब पाकिस्तान के समर्थन में तालिबान ने अफगानिस्तान में खून की होली खेलना जारी रखा है। अफगान सेना के साथ हो रही जंग में पाकिस्तान ने लगातार तालिबान का ही साथ दिया है। इस बीच पाकिस्तान के प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने अब जब ये पद संभाल ही लिया है तो उसे एक बार फिर से याद दिला दे कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर के प्रस्ताव को लागू जरूर करें। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष बनने का सीधा सीधा मतलब यही हुआ कि अब 1 महीने तक कश्मीर से जुड़े हर मुद्दों पर रोक लग गई है। पाकिस्तान अब 1 महीने तक कश्मीर के मामले पर कोई भी चर्चा सुरक्षा परिषद में नहीं कर पाएगा और यही सबसे बड़ा कारण है जो पाकिस्तान को भारत के अध्यक्ष बनने से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने का कड़ा विरोध कर रहा है। माना तो ये भी जा रहा है कि अफगानिस्तान से वापस होते विदेशी सैनिकों से जुड़ा भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अफगानिस्तान के मामले में भारत जब जब दखल देता है पाकिस्तान उसका विरोधी करता है, इसलिए अब ऐसी आशा की जा रही है कि भारत अगर इस महीने के भीतर अफगानिस्तान को लेकर कोई बड़ा फैसला लेता है तो इसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान पर ही पड़ेगा। सबसे अहम बात या कह लो दिलचस्प बात तो यह है कि भारत ने अगले 1 महीने के कार्यकाल के दौरान जो प्रोग्राम ऑफ वर्क बनाया है उसमें चीन और पाकिस्तान पर नकेल कसना शामिल है। भारत आतंकवाद विरोधी अभियान और समुद्री नौवहन सुरक्षा पर चर्चा करने जा रहा है, इनमें पाकिस्तान और चीन का जुड़ना तय है। अब भारत इस महीने के समय अंतराल में पाकिस्तान, चीन या अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करता है, ये यहाँ देखना अहम होगा। ये थी मुख्य खबर, अब रुख करते हैं दिन की सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी, तालिबान से त्रस्त अफगानिस्तान पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार देश के कंदार हवाई अड्डे पर रॉकेट से हमला किया गया है। AFP न्यूज एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि कंदार हवाई अड्डे पर लगातार 3 रॉकेट दागे गए, जिनमें से 2 रनवे से टकरा गए हैं। इसके बाद हवाई अड्डे से भी सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दूसरी सुर्खी, दुनिया भर में महिलाओं के बांझपन पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है, लेकिन अब पता लगा है कि पिछले कुछ दशकों में पुरुषों की प्रजनन क्षमता भी तेजी से घटी है, लेकिन विशेषज्ञ पुरुषों से जुड़े आधे मामलों में इसकी कोई एक वजह नहीं पकड़ पा रही है। हालांकि कुछ अध्ययनों के आधार पर उनका कहना है कि पर्यावरण में मौजूद विषैले तत्व इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तीसरी और अंतिम सुर्खी, कनाडा में कोरोना की 4थी लहर का खतरा मंडरा रहा है। देश के मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर थेरेसा टैम ने कहा कि गर्मियों के अंत तक महामारी की 4थी लहर आ सकती है। इसके पीछे की खतरनाक वजह डेल्टा वेरिएंट है। टैम ने कहा कि इसके अलावा ऐसा होने की वजह प्रतिबंधों को जल्द हटाना और पर्याप्त लोगों को टीका नहीं लगवाना हो सकता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए दुनिया दरबार। धन्यवाद।